बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजद सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में सुधार की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव को पहली बार रिम्स अस्पताल में टहलते हुए देखा गया। बता दें कि चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव की सेहत पिछले कई महीनों से खराब चल रही थी। लालू की सेहत के बारे में सामने आए ताजा अपडेट के अनुसार झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद टहलते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि रिम्स के डॉक्टरों की सलाह मानते हुए लालू यादव ने टहलना शुरू किया है। हाई ब्लड प्रेशर और अनियंत्रित ब्लड शुगर के कारण ही डॉक्टरों ने लालू को टहलने की सलाह दी थी। डॉक्टरों के इस सलाह बावजूद लालू इन्फेक्शन, चक्कर आने और पैर में जख्म होने के कारण टहल नहीं पा रहे थे, लेकिन पिछले दो महीनों में खराब तबीयत रहने के बाद अब लालू को रिम्स अस्पताल में टहलते हुए देखा गया है। अब लालू प्रसाद ने रविवार से डॉक्टरों की देखरेख में टहलना शुरू कर दिया है। इससे पहले लालू यादव को लेकर रांची के रिम्स में जो खबरें आ रही थी वो लालू समर्थकों और उनके परिवार के लिए निराशाजनक थी। लालू की तबीयत में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके चलते 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग में रिम्स के डॉक्टर लगे हुए थे। 22 नवंबर को आई उनकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके पैर दर्द में कमी आई है और सुधार हो रहा है। हालांकि अभी वो फ्री होकर नहीं चल पा रहे हैं, चलने के लिए सहारे की जरूरत है। बता दें कि रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट लालू यादव का इलाज डॉक्टर उमेश प्रसाद कर रहे हैं, जबकि रिम्स सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लालू प्रसाद की सेहत पर उनके डॉक्टर की माने तो 3.5 महीने में रिम्स में इलाजरत हैं और कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। फिलहाल दवाइयों के बल पर फिलहाल उनकी सेहत स्थिर है। आपको बताते चले कि कल शनिवार को लालू से मिलने के लिए अब्दुल बारी की सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बिशन पटेल रिम्स पहुंचे थे। बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर